सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों ने लिया हड़ताल में भाग, हरियाणा सरकार पर लगाए संगीन आरोप, प्रशासन का दावा बस चलाने के लिए पुख्ता इंतजाम। आज हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम है, जिसका असर रोहतक में भी देखने को मिला, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार पर संगीन आरोप लगाए। हमारी सरकार से एक ही मांग है, जो 700 बसें किलोमीटर स्कीम पर लेने जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार सरकारी बसें बेड़े में शामिल करे, बेरोजगारों को रोजगार दे, इसका एक खोल के बताने का उद्देश्य है। पहले भी प्राइवेट बसें चल रही हैं, वो सरकार तो एक तरफ कहती है कि सारी सुविधाएं वही देंगी जो सरकारी बसें दे रही हैं, लेकिन आपने रक्षाबंधन में भी देखा होगा और पीछे बलात्कार भी होते रहे इनमें, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए रोडवेज यूनियन इनके विरोध में है। हमारी बसें एवरेज 20 या 21 रुपये पर किलोमीटर कमाती है, एवरेज रोडवेज की बसें, और सरकार अपने चहेतों को फायदा देने के लिए 35 रुपये पर किलोमीटर इनको हायर कर रही है, जो एक सरेसर जनता के साथ और रोडवेज विभाग के साथ सरेआम धोखा है, एक बहुत ही बड़ा घोटाला है। जनता से हम यही अपील करते हैं, हमारी कोई अपनी तनख्वाह और कोई सुविधा बढ़वाने की मंशा नहीं है, सिर्फ जनता को सुविधा दे। सरकार ने जो वादा किया था रोडवेज से मैं बेड़े में शामिल करे और इन 700 जो बसें लेने का प्रादेश को रद्द करे। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, जिसके तहत कई बसों को उनके रूट पर रवाना किया गया। हमारी तरफ से हमारे आगार के अधिकारियों को नोडल अफसर लगाया गया है, प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है, वह DSP साहब यहाँ मौके पर मौजूद है, पूरी पुलिस फोर्स है। प्रशासन के सहयोग से और हमारे कर्मचारियों के सहयोग से हमने मॉर्निंग का 4 बजे वाला टाइम, 4:20 वाला, 4:40 वाला और 5 वाले जो हमारे शेड्यूल टाइम है, वो सारे यहाँ से वर्कशॉप से निकल के अपने मार्गों पे जा चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी लोकल सर्विस थी, उसकी भी 7-8 गाड़ियाँ हमारी मार्ग पे जा चुकी हैं। सभी गाड़ियों में विद पेयर भेजे हैं हमने, बिना परिचालक के तो हम गाड़ी नहीं चला सकते, चालक परिचालक सब गाड़ियों के साथ गए हैं।